बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है या कोई बिजनेस इवेंट बिजनेस में होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस के अंदर, तो उसका इफ़ेक्ट बिजनेस में असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे क्या पड़ेगा, हम उसको कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशंस करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है क्या करती है, सिग्निफाई रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स होते हैं असेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। उन तीनों कंपोनेंट्स के, असेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए, उनके ऊपर इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन कैलकुलेट की जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए जाते हैं।